पैटर्न है फिर गलत क्या है? राहुल गांधी तो ठीक ही करते होंगे ना, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस में हमेशा से रही है, राहुल गांधी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए उनके बयानों उनके वक्तव्यों से झलकता वही है, तो इसमें गलत तो कुछ नहीं करते हैं फिर, ठीक ही है राहुल गांधी जी? सबसे एक तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि मेरे ओपनिंग रिमार्क्स के बाद कोई भी कनेक्शन हमारे साथ नहीं रहा आपका, इसलिए मैं कोई बात सुन नहीं पाया। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात ये कि देखिए कांग्रेस इस देश की इकलौती पार्टी है जो 100% लोगों की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह धर्म का व्यापार नहीं करती, धर्म का राजनीतिकरण नहीं करती, धर्म को मानती है, धर्म में आस्था रखती है। ये तो भगवान राम का भी व्यापार कर लेते हैं, तो इनकी बात ही क्या करना। दूसरी बात आप देखिए कि बयानों की आप बात कर रहे थे, अपमान तो इनके केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने क्षत्रिय समाज को लेकर राजा महाराजाओं को लेकर जिस तरह के अभद्र बयान किए, जिसकी चर्चा मैं यहाँ कर भी नहीं सकता, और जिसके कारण गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक आग लगी रही और लगातार वहां बड़े बड़े महापंचायत होते रहे और क्षत्रिय समाज ने एक साथ ये घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अगर ये बताइए कि अगर बीजेपी धर्म का व्यापार करती है और आपको आप राम को मानने वाले हैं, तो दो बातें जरा बताइएगा मुझे, प्रभु श्री राम के दर्शन करने का मन ही नहीं किया अभी तक आपको? ऐसा है, पहली रामनवमी भी हो गई, सूर्य की किरणों से ललाट पर तिलक भी हो गया प्रभु श्री राम के, लेकिन आप लोगों को अभी तक किसी को समय नहीं मिला। दूसरी तरफ सर, जब बात होती है सनातन धर्म की, आपके अपने लोग आपके ऊपर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, आपके अपने लोग आपकी पार्टी कहते हुए छोड़ देते हैं कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है, और उसको बल तब मिलता है जब आप ही के साथ ही डीएमके वाले सनातन की तुलना कुष्ठ रोग से कर देते हैं, तो फिर सवाल क्या उठेंगे नहीं आप लोगों के ऊपर सर? देखिए सबसे पहले तो ये जो सनातन विरोधी होने की बात ये लोग करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात कि सनातन धर्म में तो सबसे उच्च स्थान शंकराचार्य का है, इन्होंने तो शंकराचार्य को दरकिनार कर दिया। शंकराचार्य आए क्या उस रामलला के उस कार्यक्रम में? शंकराचार्य आए नहीं आए? तो आप शंकराचार्य के कदमों पर चल रहे हैं, वो नहीं गए तो आप भी नहीं गए, आपने तय किया कि शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो हम भी नहीं जाएंगे, इसीलिए नहीं गए ना सर? नहीं नहीं पूर्णिमा जी, ये बात समझिए कि हाँ। शंकराचार्य जी को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया, चारों शंकराचार्य उसमें नहीं आए। दोनों सवालों का सर जवाब नहीं दिया, दोनों सवालों को आप मिक्स कर गए। मैंने क्लियरली आपसे पूछा, मैंने कहा कि आपके अपने लोग आपके ऊपर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, आपने कह दिया बीजेपी लगाती है। मैं गौरव वल्लभ का नाम लू क्या? मैं संजय निरुपम का नाम लू क्या? निकलते वक्त क्या कहकर गए वो? इसके साथ ही पिछले अभी कुछ वक्त में आपके जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने क्लियर एक सुर में कहा कि राम मंदिर और उसके निमंत्रण में ना जाने का जो फैसला कांग्रेस पार्टी का रहा, हमको वो फैसला पसंद नहीं आया, सनातन विरोधी है कांग्रेस पार्टी। फिर बीजेपी इसमें कहां से आ गई? छोड़ दीजिए ना बीजेपी को, जब अपने घर में आपके छेद करने वाले हो तो फिर किस कहीं और ऊपर छतरी लगा के क्या कीजिएगा सर? अच्छा आपकी बात पूरी हो जाए तब मैं बोल लूंगा। हो गई सर, अब बोलिए ना। ऐसा है कि छोड़कर जाने वाले क्या क्या कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको अभी मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद जो इनके यहाँ से छोड़ के गए शर्मा जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या क्या कहा वो आपने सुना होगा। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, ये बेईमानों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, इनके कथनी और करनी में अंतर है। अरे बीजेपी वालों ने मुगलों का गुणगान नहीं किया ना सर, और जो राजा थे जो महाराजा थे उनके द्वारा किए गए कामों को नकारा नहीं ना, बीजेपी ने नहीं किया है, कांग्रेस ने किया है, राहुल गांधी ने किया है, इसीलिए सवाल उठ रहे। आपकी पार्टी का चेहरा मोहरा राहुल गांधी, उनके स्टेटमेंट पर सवाल उठ रहे हैं सर, इसीलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है। बात तो समझिए ना मिश्रा जी, आती हूँ आपके पास जल्दी से, तारिक खान जी आपके पास आते हैं, उन दो सवालों का जवाब लूंगी और उसके बाद सैयद जवाद जी आपके पास आते हैं। एक बात मैं 10 सेकंड में कह दूं, आप तो सवाल पूछ के निकल लेती हैं, एक बात बताइए क्या तीन बार मैंने मिश्रा जी आपसे सवाल पूछा, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते, आप फौरन चले जाते हैं बीजेपी पर। अरे अपनी पार्टी की भी बात करिए ना प्रभु, अपनी पार्टी की भी बात करिए ना सर। राहुल गांधी को कौन अचानक से कह देता है, उनको करंट लग जाता है जाके इस तरीके की बातें करने लगते हैं मंच पर, कौन कहता है? आपकी आपकी बैकिंग टीम रिसर्च तो कम से कम ढंग से करके दिया करे, फिर उसके बाद राहुल गांधी के मीम बनने लगते हैं सर सोशल मीडिया पे जगह जगह। अरे तो आप क्यों भाजपा का प्रवक्ता बन रही हैं? अरे सर फिर अब आ गए ना वापस लौट कर आप मीडिया,
वापस लौट कर आ गए ना, आप वापस लौट कर आ गए। अब आप इसमें मेरा समय जाया करेंगे सर, लेकिन मैं आज होने नहीं दूंगी, सॉरी टू से सर। बोलिएगा तारिक खान साहब, आपके लिए दो सवाल आए थे, उन दोनों सवालों का जवाब लूंगी, फिर आती हूँ मिश्रा जी आपके पास। सवाल सुनने नहीं आता, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। तारिक खान साहब, मुझे उम्मीद है कि आप न्याय करेंगी, समय देंगी मुझे। मुगल की तारीफ किसने की अभी मैं साबित करता हूँ, बीजेपी को एक्सपोज करता हूँ। G20 समिट हुआ, उसमें एक किताब छपी, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, पेज नंबर 38 पे क्या लिखा हुआ है पता है? मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अकबर एक महान शासक थे, हिंदुस्तान में जिन्होंने लोकतंत्र के लिए बहुत काम किया, हिंदुओं का सम्मान किया और लोकतंत्र को आगे बढ़ाया। अकबर की बुराई हो गई, इसकी जगह महाराणा प्रताप नहीं हो सकते, शिवाजी राव नहीं हो सकते। क्यों किया गया ये? क्यों किया गया आप जानती हैं? क्योंकि जो मुसलमान लोग आए थे ना तुर्की से, ईरान से, वो खुश हो गए। तब महाराणा प्रताप की तारीफ नहीं होनी चाहिए। यहां बैठ के वोटों के लिए नाटक करते हो, और जो सरकार बुकलेट छापती है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता अकबर के बारे में बात कर रहे थे, आप सुनिएगा मुझे, बीच में इंटरप्ट मत करिए, अगर एक मिनट दीजिए देन लिसन केयरफुल। और अब मैं कहता हूं, अभी ये भी कहा गया कि हम लोग चले गए, कोई मुख्तार अंसारी थे, अखिलेश जी चले गए, हरिशंकर तिवारी उत्तर प्रदेश के कितने बड़े डॉन थे, जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं वही जानते हैं, मैं रहता हूं वही गोरखपुर में। हरिशंकर तिवारी मरे, डॉक्टर दिनेश शर्मा उनके घर गए, निकाल दीजिए दिनेश शर्मा को पार्टी, क्यों गए थे? हरिशंकर तिवारी का नाम अपने एग्जीक्यूटिव से पूछ लीजिएगा फोन करके, क्यों गए थे? क्यों गए? तो गए तो आप ही गए, तो आप अब हम गए वो हमारा विषय है, अगर जनता को बुरा लगेगा तो वोट नहीं देगी। आप सवाल खड़ा करते, आप जो लोग अकबर की तारीफ करते हैं, अगर 10 सेकंड देंगी तो राहुल गांधी का भी जवाब दें। बोलिए तारिक, राहुल गांधी ने इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले की बात की, जब सिंधिया जैसे लोगों ने गद्दारी की और सावरकर ने अपनी किताब में सिंधिया को कोबरा का 1857 स्वतंत्रता का समर लिखा और उसमें सिंधिया को लिखा कि वो कायर था, वो कोबरा था, हमने लिखा। आप उनके अनुयायी हैं, उनको मानते हैं सावरकर, हम नहीं। आपके मानने वाले खुद अपनी किताब में लिख रहे हैं कि वो कोबरा थे। आप तो देश के लोगों का, जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ टुकड़े गैंग जैसे लोगों को आम मानने वाले हैं, महमूद गजनी जैसे लोगों को मानने वाले हैं, तैमूर जैसे लोगों को मानने वाले हैं, मुगल जैसे लोगों को आप मानने वाले हैं, ऐसे लोगों की गाथा ही तो आप खाएंगे? नहीं नहीं, ऐसे लोगों के बस 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 बहुत हो गया। देखिए जितनी भी गाथा मुख्तार अंसारी जैसे मवाली और गुंडा माफिया का मानना है आप घर में जाकर के बोल, लेकिन टीवी पर बैठ करके उन जैसे लोगों को गाथा मत गाइए। उसके बाद फिर आजादी की बात होगी, अरे आजादी का गुणगान गाना है ना, आप कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी का ही रख लीजिए ना, कांग्रेस पार्टी का कितना योगदान रहा भाई, आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी का 3,27,000, अरे सुनिए सुनिए, आप बहुत गाथा गा रहे ना, 3,27,000 बलिदानी तो आजादी के समय हुए, लेकिन उसमें से कांग्रेस ही नेता कितने बड़े नेता थे, आप बताइए। सुनिए नहीं नहीं बस नहीं जमी लूंगा आजादी की बात नहीं, रमनी जी पहले मुझे दो सेकंड दीजिए दो सेकंड पहले मुझे दीजिए। तारिक खान जी, आपकी बात एक लंबे वक्त तक पूरी हुई थी और उसके बाद रमनीश जी ने एक काउंटर आपके सामने रखा है, उसको आराम से सुन लीजिए, फिर उस पर जवाब दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है? सुन तो लीजिए उनको, क्या बस मुझे 20 सेकंड आप बोलिएगा, जल्दी 20 सेकंड में खत्म कीजिए, उसके बाद तारिक खान आप बोलिएगा। सबसे पहली बात, आपने आजादी की बात करी और कांग्रेस पार्टी की भी बात करी, मैं कांग्रेस पार्टी को ही सामने लेके आता हूँ। आप बताइए कांग्रेस पार्टी 3,27,000 देश की आजादी में बलिदानी हुए ना भाई, उनमें से कितने कितने कांग्रेसी थे, कितने कांग्रेसी बड़े नेता थे? राम प्रसाद बिस्मिल उसमें से कांग्रेसी नेता नहीं थे। चाहे सुखदेव की बात करें, चाहे राजगुरु की बात करें, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात करें, आप इन लोगों को आप नहीं ले सकते। ये सारे के सारे लोग जो थे वो कांग्रेसी नहीं थे, संघ समर्थक भी नहीं थे। उसके बाद सबसे पहली बात, संघ समर्थक भी नहीं थे। आप बताइए उनमें से कितने लोग को, कितने कांग्रेस को काला पानी की सजा हुई, कितने कांग्रेसी उसमें से थे जिनको फांसी की सजा हुई? कोई भी कांग्रेसी उसमें नहीं था। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, जैसे ही आप बताइए कि अंग्रेज ऑफिस से निकल, ये अंग्रेज जो उस समय था उनका शासक, उसके जैसे ही घर से निकलते हैं
जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद की हत्या हो जाती है और यहाँ पे ये सारे के सारे लोग जो है जो मुगल प्रेमी है। रमेश जी, रमेश जी, बिटवीन द लाइंस, एक सेकंड रमेश जी, ये जो मुगलों की गाथा दिन भर गाते रहते हैं ना, ठीक है रमेश जी, जब ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कटेंगे 30 रुपए, रमेश जी, रमेश जी सर प्लीज, इनके ओवर एक्टिंग के 50 रुपए जितने आपको मिलेंगे सर, इस तरीके की बात, इस तरीके की बात, इस तरीके